नमस्ते किसान दोस्तों, मेरा नाम है मिट्टी चौधरी। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल किसान ट्यूबर पे। तो किसान दोस्तों, आज वापस से आ गए एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बताने वाले हैं तेजी से वेट बढ़ाने का नंबर वन देसी फॉर्मूला, यानी आप देसी तरीके से कैसे आप मुर्गी को तेजी से ग्रो कर सकते हो, तेजी से उसका वेट बढ़वा सकते हो। तो किसान दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको जल्दी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज इस फॉर्मूले को तैयार करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करेंगे वो है आंवला। दोस्तों, आंवला के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, पॉजिटिव इफेक्ट देता है। वैसे ही अगर आप अपनी मुर्गियों को इसको देते हो तो वैसे ही पॉजिटिव इफेक्ट आपके मुर्गी को मिलने वाला है। दोस्तों, आंवला जो होता है वो विटामिन सी से भरपूर होता है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स और अमीनो एसिड पाया जाता है, जो कि मुर्गी को तेज़ी से ग्रो करने के लिए यानी वेट गेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों, अगर हम लोग मुर्गी को आंवला खिलाते हैं तो उससे मुर्गी को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सारी चीज़ सबसे पहले जान लेते हैं, फिर सबसे लास्ट में जो है इसको कैसे देना है वो सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एक मुर्गी को ग्रो होने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, जो भी जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे चाहिए होता है एक मुर्गी को ग्रो करने के लिए। तो अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी विटामिन्स का अगर कमी आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मुर्गी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लगता है। तो हम लोग जो बाजार का फीड यूज़ करते हैं, जो बाजार का दाना यूज़ करते हैं मुर्गी को खिलाने के लिए, उसमें बहुत कम मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि विटामिन सी का पूर्ति जो होता है वो पूरा नहीं कर पाता है उस फीड के द्वारा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेडिसिंस, विटामिन सी का पूरा करने के लिए हम लोग मेडिसिंस इस्तेमाल करते हैं। तो मेडिसिंस की जगह अगर हम लोग देसी कोई चीज़ अगर आ जाता है अल्टरनेटिव में, तो हम लोग देसी यूज़ करेंगे, मेडिसिंस का पैसा हम लोग क्यों खर्च करेंगे। तो वही जो आंवला है वो मेडिसिंस का पूर्ति ये खुद करेगा, विटामिन सी का जो पूर्ति है ये खुद करेगा। और इसका जो रोल है मुर्गी के बॉडी में मुर्गी को ग्रोथ करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप आंवला खिलाते हो अपनी मुर्गी को, तो स्ट्रेस के टाइम ये विटामिन सी जो है ये मुर्गी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर आप कंटिन्यूसली इसको आंवला खिलाते हो तो दोस्तों, तो ये मुर्गी को स्ट्रेस में नहीं आने देता है, साथ साथ में दोस्तों इसका जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोध क्षमता से लड़ने का पावर, वो भी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, जिसके वजह से आपकी मुर्गी को जो है डिजीज लगने का भी चांसेस कम हो जाता है। जैसे दोस्तों फंगल डिजीज़ हो गया, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया, ये सब चीज़ों से रोकने में आपका जो है आंवला बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है दोस्तों इसका, वो है मुर्गी के लीवर को हेल्थी रखना। जैसे एक कॉमन प्रॉब्लम है मुर्गी में, वो है लीवर डिजीज़, लीवर के जुड़े कोई भी प्रॉब्लम्स होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि आप अपनी मुर्गी को जो भी दाना खिला रहे हो वो सही से वो नहीं पचा पाता है, जिसकी वजह से उस दाने में मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी पोषक तत्व है, वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो दाना पूरा का पूरा वेस्ट चला जाता है बाया वीट, वीट के माध्यम से वो पूरा दाना बाहर निकल के आता है। तो इससे पहली बात तो आपका दाना का वेस्ट है, साथ में ये जो है मुर्गी को ग्रोथ भी नहीं मिलता है सही से। तो अगर आप रेगुलरली आंवला अपनी मुर्गी को देते हो तो लीवर जो है वो स्वस्थ रहेगा, और लीवर स्वस्थ रहेगा तो मुर्गी हेल्थी रहेगी, खाना जो भी खाएगी वो सही से पचा पाएगी, न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, और वेट भी देखना तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मुर्गी को स्वस्थ रखना चाहते हो तो विटामिन सी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे आप वो मेडिसिन से प्रोवाइड करो, चाहे वो आंवला से प्रोवाइड करो, चाहे वो कोई भी माध्यम से आप अपनी मुर्गी को प्रोवाइड करो, लेकिन आपको देना है। तो दोस्तों, अगर आप आंवला खिलाते हो अपनी मुर्गी को तो ऐसे बहुत सारे फायदे आपकी मुर्गी को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसको देना कैसे है। तो दोस्तों, आपको जो है आंवला का चूरना जो आता है वो आपको ज़रूरत है, जो पाउडर टाइप का आता है दोस्तों वो आपको ज़रूरत है। अगर आपको इसका चूरना नहीं मिलता है तो आप जो है आंवला को खरीद के ला के उसको काट के फिर सुखा के फिर घर में जो है आप उसको पाउडर टाइप का तैयार कर सकते हो। इस पाउडर को देने का तरीका यह है दोस्तों, जैसे सपोज़ अगर आपके पास 100 बर्ड्स है तो 100 बर्ड्स एक दिन में जितना फीड खाती है, जितना दाना खाती है, उसी दाने में 90 से लेके 100 ग्राम तक चूरना जो है आंवला चूरना, आंवला पाउडर, उसको आपको सही से मिक्स करके फिर आपको जो है मुर्गी को वो मिश्रण देना है। तो दोस्तों, ऐसे करके अगर आप रेगुलरली अपनी मुर्गी को खिलाओगे तो डेफिनेटली जो है आपकी मुर्गी स्वस्थ रहेगी और बहुत ही तेज़ी से देखना वेट को गेन कर रही है, ग्रो कर रही है। और दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है ब्रॉयलर चिकन के लिए, जो ब्रॉयलर मुर्गी होती है दोस्तों, अगर आपके पास ब्रॉयलर फार्म है तो डेफिनेटली ज़रूर से ज़रूर आप इसको जो है ट्राई करके देखना। इस प्रोसेस को दोस्तों आपको स्टार्ट करना है जब मुर्गी 7 दिन की हो जाएगी, यानी जो चूजा होगा वो 7 डेज का हो जाएगा, उसके बाद से इस प्रोसेस को आपको स्टार्ट करना है।
अगर दोस्तों आपको ये चीज़ बिलीव नहीं हो रहा है तो एक काम आप कर सकते हो, आपके पास अगर पोल्ट्री फार्म है, चाहे आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हो चाहे ब्रॉयलर कर रहे हो, आप एक काम करना, आप एक साइड में कम से कम 7-10 मुर्गी को जो है ये ऐसे जो प्रोसेस मैंने बताया ये खिला के देखना, और एक साइड जो है नॉर्मल जो खिलाते हो वो खिला के देखना, देखना किस मुर्गी में ज़्यादा ग्रोथ रेट आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये था एक छोटा सा जानकारी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो किसान दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।